देखिए, आज हम डांगरी के अंदर जितने 7 लोग जो हैं वो शहीद हुए, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन शहीदों को अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, जिस प्रकार से साल के पहले दिन आतंकवादियों ने राजौरी के डांगरी के अंदर आतंकी हमला किया, जिसमें 4 लोग जो हैं वो शहीद हुए। दूसरे दिन आईडी ब्लास्ट की, जिसमें नाबालिग 2 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। और उसी दिन जो है घायल हुए थे प्रिंस, जिनका आज जो है जो आज शहीद हुए हैं। टोटल मिला के 7 लोग जो हैं वो इस घटनाक्रम में शहीद हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी इनके जो कातिल हैं वो अभी तक जो है ना मारे गए हैं ना पकड़े गए हैं, तो सरकार जल्द से जल्द उनको, इन शहीदों को इंसाफ दिलाने का काम करे। जिन लोगों ने इन आतंकवादियों का सपोर्ट किया है, साथ दिया है, और जो ये आतंकवादी है इनको पकड़कर जिंदा जलाने का काम जो है वो हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जल्द से जल्द करे, ये हमारी सरकार से मांग है।